Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allah हजरात, ये किताब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लफ्ज बशफुल महजूब में जो लिखा है उसे आपके सामने पेश किया जाए मगर फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो तो दाता साहब से माफी चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसे आप कशफुल महजूब से किताब से मिला कर सही मानी पता कर सकते हैं ताकि आपको सही मालूम मिल सके हम सबको अल्लाह अपने हबीब हो वसल्लम के सदके तोफ़ी दे कि हम सही इल्म हासिल करें और उस पर चलकर कर मार्फते इलाही हासिल करें अल्लाह ताला हम सबका हामीनासर और मदद करने वाला है बेशक वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और वही हमें अपनी तरफ लौटाने वाला है मुख्तलिफ़ शहरों में मशाख मुतरन का तस्करा आउज़िल्लम बसमिल्लर सदनादिन सदना व मौलाना मुहमदिन मबारक वसलम मुख्तलिफ़ शहरों में मशाख़ मुतरन का, का तस्करा अगर मैं हर एक के ज़िक्र और हाल की तशरी करूँ तो किताब तवील हो जाएगी और बिल्कुल ही जिक्र ना करूं तो किताब का मकसद फौत हो जाएगा इसलिए सिर्फ इनके असमा गिनाता हूं जो मेरे जमाने में तरीकत के मशाइ और सूफिया गुजरे हैं और वो अरबाब मानी में से हैं ना के असाब रसूम में से इराक़ शाम में मुशाइ मुताखरीन में से एक शेख जकी बिन अल आला हैं जो बरगजीदा और सादात ज़माना में से हैं मैंने इनको सरापय शोला मोहब्बत पाया इनकी निशानियाँ और ब्राहन ज़ाहिर हैं नंबर दो शेख बजुरगवार अबू जाफ़र मुहमद बिनलमसबा सईदलानी हैं जो राऊसाए मुतसवफीन में से हैं और तहक़ीक में ज़ुबान बयान के माहिर हैं वो हज़रत हुसैन बिन मंसूर हालात से बड़ी मुहबत रखते हैं इनकी बाज तसानीफ़ मैंने पढ़ी हैं नंबर तीन हज़रत अबूलकासम सदसी जो साहेब मुशाहदा और साहेब हाल हैं हुसन अकीदत के साथ दरवेशों की न्याजमंदी और खिदमत गुजारी करते हैं मुल्क फारिस में नंबर एक शेखुल शेख, -शेख अबू अल हसन बिन सालबा हैं जो तसवुफ में अफसाउलसान और तोहद में अल बयान हैं इनके कलमात मशहूर हैं नंबर दो शेख मुर्शद अबू इसहाक बिन शहरियार हैं जो बरगजीदा कौम और साहिब सियासत हैं नंबर तीन शेख तरीकत अबुल हसन बिन बकरान हैं जो इकाबर सूफिया में से हैं नंबर चार शेख अबू मुस्लिम हरोवी हैं जो अजीज वक्त और साहिब हाल हैं नंबर पाँच शेख फतह सालिबा हैं जो अपने वालिद के फर्जंद रशीद और उम्मीदवार हैं नंबर शेख अबू तालिब हैं जो एक बुजुर्ग पाबंद कैमाते हक हैं नंबर सात शेखुलशयूख शेख अबू इसहाक रानदीदा जो इन सब में बजुर्ग हैं कहस्तान आजरबाईजान और बहरिस्तान और फक में नंबर एक शेख शफीक फराह अलमारूफ बजनजानी हैं जो मर्द नेक सीरत और सत्तूद तरीकत हैं और अपने जमाना के शेख और बजुर्ग सूफी हैं इनकी नेकियां बहुत हैं बादशाह जो अयार शख्स था इनकी वजह से तायब होकर राह हक पर आ गया नंबर दो शेख अबू अब्दुल्ला जुनेदी हैं जो मेहरबानो शफीक बजुर्ग हैं नंबर तीन अजला मशाइ में से शेख अबू तालिब मकसूफ हैं नंबर चार ख्वाजा हसनानी गिरफ्तार उम्मीदवार हैं नंबर पांच शेख सहलकी हैं जो जमात सूफिया में दानश्वर हैं नंबर छह अहमद बिन शेख खुरमानी जो अपने वालद के फर्जंदे रशीद हैं नंबर सात हजरत अदीब कमंदी जो सादात जमाना में से हैं किरमान में नंबर एक हज़रत ख्वाजा अली बिन हुसैन केर कानी है जो सयाह वक्त और नेक खसलत है। इनके हैं इनके हक़ीम एक मर्द अजीज हैं नंबर दो हज़रत शेख मोहम्मद बिन सलमा है जो इस अहद के बुज़ुर्गों में से हैं इनके सामने बक़सरत अल्लाह जमां मर्द और तालिब उम्मीदवार गुजरे हैं खुरासान में जहाँ आज साकबाल हक है नंबर एक शेख मुजहदिद हजरत अबू वामगानी हैं जिनका हाल और जमाना बहुत उम्दा है नंबर दो हजरत ख्वाजा अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली हैं जो तरेकत के महकों में से हैं नंबर तीन हजरत ख्वाजा अबू जाफ़र तरशीजी हैं जो अजीजान वक्त में से हैं नंबर चार हजरत ख्वाजा महमूद निशापूरी जो मुक्ता और फसी हैं नंबर पाँच हजरत शेख हम्मद माशूक हैं जिनका हाल उमदा व नेक है और नहायत खुश हल्क हैं। नंबर छः हज़रत हब, जो नेक बातिन और खुश खुरम बुजुर्ग हैं नंबर सात हजरत ख्वाजा रशीद मुजफ्फर फरजंद शेख अबू सईद उम्मीदवार हैं जो मुक्तदाय कौम और दिलों के किबला हैं नंबर आठ हजरत ख्वाजा शेख अहमद नजार समरकंदी मुकीम मरव हैं जो सुल्तान जमाना हैं नंबर नौ हज़रत ख्वाजा शेख अहमद जमारी सुरखी हैं जो वक्त के सिपाही और मेरे साथी हैं इनके कामों में बड़ी कुदरत देखी है जमा मर्द इन मतसूफ़ा में से हैं नंबर दस हजरत शेख अबूल हसन अली बिन अली अलीस्द हैं जो अपने वालिद के फ़रजंदे रशीद और अपने ज़माना में अलोहमत और सदको फरास्त में बेहतरीन व बेमसल हैं खुरासान के तमाम मशाइ का जिक्र हो तो दुश्वार हैं इन में से तीन सौ मशाइ से तो मैंने मुलाकात की है और हर एक का मुशरब जुदा जुदा पाया है इनका हर एक फर्द सारे जहान के के लिए काफी है ये सब इसलिए हैं कि पर आफ्ताब मोहब्बत और इकबाल तरीकत हमेशा ताबा रहा है मावरा उल नहर में नंबर एक ख्वाजा इमाम मकबूल खास आम हजरत अबू जाफर मोहम्मद बिन हुसैन हरमी है जो साहिब समा और पाबंद तरीकत इनके हिम्मत बुलंद और हाल पाकिजा है सालिकान हक के साथ शफकत फरमाते हैं और अपने साथियों में सरदारो फकी हैं नंबर दो हजरत अबू मोहम्मद पाल हैं जो उमदा हाल और महकमे मामला रखते हैं नंबर तीन शेख वक्त हजरत अहमद इलाकी हैं जो बरगजीदा वक्त और तारक रसूम आदात हैं नंबर चार फरीदुल असर और यकता जमाना हजरत ख्वाजा आरिफ हैं नंबर पाँच हज़रत ख्वाजा जमन अली बिन अबी असहाक हैं जो मर्द मोहतशम और नेक जुबान हैं ये वो मशाइ हैं कि जिनसे मैंने मुलाकात की है और हर एक का मुकाम मालूम किया है ये सब मुहिक हैं गजनी में नंबर एक शेख आरफ ममदूह ज़माना हज़रत अबू अलफल बिन अजदी हैं जो शेख तरीकत हैं और इनकी करामत बराहन ज़ाहिर हैं जब सोज़ महबत का गलबा हुआ तो जहरी हालत से लोगों ने धोखा खाया नंबर दो शेख मुजरद अलाइ दुनियावी के तारक हज़रत इस्माइल शाशी हैं जो शेख महतशम और मलामती तरीक पर हैं नंबर तीन उल्मा तरीकत हज़रत शेख सलार हैं जिनका हाल उम्दा है नंबर चार शेख दाना इसरार हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हकीम मारूफ व मुरीद अजमस्तान हक़ हैं जो अपने ज़माना में अपने फन में सानी नहीं रखते इनका हाल लोगों पर पोशीदा है बराहिनो निशानात ज़ाहिर व रोशन हैं इनका हाल सेहत में बेहतर है इसलिए कि वो साहब मुशाहिदा हैं नंबर पाँच शेख मोहतरम तमाम में मुक़दम हज़रत सद बिन अबी सैद अयार हैं जो हदीस मुस्तफ़ा सल वसम के हाफज़ हैं उमदा जिंदगा पाई हाल में कवियो बाख़बर मगर पोशीदा रहते हैं किसी पर जाहिर नहीं होते बकसरत कसरत की सोहबत पाई है नंबर छः, छ्वाजा बजुरगवार जानशीन हिम्मत वक़ार हजरत अबू अल अबरम बिन अहमद सादी हैं जो अजीज़ कौम और सरदार वक्त हैं मुझे वो दिल से प्यारे लगते हैं इनकी जिंदगी महजब हाल उमदा और फनून के आलिम हैं नंबर सात शेख अहद हजरत उसूरा बिन मोहम्मद जरवेजी हैं जो अहल तरीक़त से कमाल मोहब्बत रखते हैं और हर एक का एहतराम फरमाते हैं बकसरत मशाइ से मुलाकात की मुझे इस शहर के आम लोगों के एतकाद और वहाँ उलमा से अच्छी उम्मीद वाबस्ता है वहाँ का रहने वाला जो भी मिलता है मुझे इससे हुस्न अकीदत होती है ये ग्ररोह मशाइ मुंतशिर और मुख्तलि शहरों में अकामत पजीर है ये तरीका मेरे नज़दीक अच्छा नहीं है क्योंकि ये ऐसे शहर को छोड़कर चले जाते हैं जो बुजुर्गों की अकामत गाह है अब मैं तरीक़त के फिरकों और इनके मजाहब का बयान शुरू करता हूँ अहल तरीकत के मजाहब अहल तरीकत के मजाहब और इनमें इम्तियाजी फ़र्क हज़रत अबूल हसन नूरी रहत के तस्करे में पहले ही बता चुका हूँ कि अहले तरीकत के बारह मजहब हैं जिनमें से दो मरदूद और दस मकबूल हैं इन दसों के मामलों और तरीकत के सलूक दुरुस्तमदा तो हैं मुशाहदात में इनके आदाब लतीफ़ दकीक हैं अगरचे बाहि मामला मुजाहदात और इनकी रियाजतों में अख्तलाफ है ताहम तोह और शरीय के असूलो फरों में सब मुतफ़ हैं हज़रत अबू यजीद बस्तानी रहमतल्ला फरमाते हैं कि यानी तोहद खालिस के सिवा हर मसला में उमा का अख्तिलाफ रहमत है इस कॉल के मुाफ़ एक मशहूर हदीस भी है अखियार मशाह के दरमियान तसवु की हकीकत दो हिस्सों पर मुनकसम है एक बातबार हकीकत दूसरे बातबार मजाज व रसूम अब मैं इनके अकवाल को जो इन हिस्सों पर मुश्तमिल हैं बरतरीक एजाज व अख्तसार बयान करता हूँ और हर मजहब की असास और इनकी बुनियादों का तस्करा करता हूँ, ताकि तालिब को इनका इल्म हो और उल्मा को इल्म का मोहजन एक जगह मिल जाए और यह के मुरीदों की असलाह महजूबियों की फलाह और दानिश्वरों को मुरत व तन हो और दोनों जहान में मेरे लिए अजर सवाब का सबब बने वाहिल तोफ़ीक नंबर एक फिर महासिबिया फिर महासबिया की नस्बत वकीदत हजरत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद महासबी रम्हल से है वह अपने जमाने में मकबूल और कात्स थे आपका कलाम तोहद खालस के हक़ और इसके फ़रो और असूल के बयान में है आपके तमाम जहरी व बातनी मामला सही व दुरुस्त थे आपके मजहब की खसूसियत ये है कि आप रजा इलाही को मकाम के कबील से नहीं मानते थे बल्कि अजकसम वाले तरीकत समझते थे तरीकत में ये पहला इख्तलाफ है वाक हुआ इस पर उ उ ने तो किया। इनका कहना है कि रजा तरीकत के एक मुकाम का नाम है आखिरी मंजिल है ये इख्तलाफ आज तक के दरमियान मौजूद बरकरार है अब मैं इस कॉल की कुछ तशरी करता हूँ हकीकत रजा बयान मजहब और वजह इख्तलाफ के लिए जरूरी है कि रजा की हकीकत और इसके इकसाम की वजाहत करूँ इसके बाद मुकाम की हकीकत और इनका जाहिर करूँ जाना चाहिए कि रजा पर किताबो सुन्नत नातिक और इस पर उम्मत का साबित है, चुनाचे फरमाता है वजु अन हो आयत आयतब वो अल्लाह से राजी हो गए नीज़ इरशादे बारी है अलफ अठारह अल्लाह तला इन मुसलमान से राजी हो गया, जिन्होंने दरख्त के नीचे आपसे बैत की हजूर अक्रम वसल्लम का इर्शाद है ज़ाक़ा तामल इमानी मन रादिया इसने ईमान का जायका पा लिया जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया सूरत रजा रजा की दो सूरतें हैं एक कि अल्लाह ताला का बंदे से राजी होना दूसरी यह कि बंदा का अल्लाह ताला से राजी होना है लेकिन खुदा के राजी होने की हकीकत यह है कि वो बंदे को सवाब और नेमत और करामत से नवाजे और बंदे का खुदा से राजी होने की हकीकत यह है कि इसके फरमान पर अमल करे और इसके हुक्म के आगे सर तस्लीमें खम कर दे और खुदा के मामला में चूनो चरा ना करे इसलिए कि रजाए बंदा रजाए खुदा पर मौकूफ़ है इस पर इसका कयाम होना चाहिए रजाए बंदा का खुलासा यह है कि मनाओ अता की दोनों हालतों में इसका दिल यकसा रहे और जलाल व जमाल के नज़ारे में इसका बातिन मजबूत वमस्तहकम रहे ख्वा इसे मना से रोक दिया जाए या अता में आगे बढ़ाया जाए हर हालत में इसका क्याम मसावी हो ख्वा आतिश जलाल में जले या लुत्फ जमाल के नूर से मुनवर हो इसका दिल में जलना और मनवर होना यकसा हो क्योंकि इसका जहूर हक़ अल्लाह तला की तरफ से है इसके से जो भी कुछ आएगा अच्छा ही होता है अमीरुल अमीरिनत इमाम बिन अली रजा अनहमा के आगे हजरत अबू जरगफारी गफारी रजियाल्लाहा का ये कौल रखा गया है मेरे नजदीक मुफलसी तोंगरी से और बीमारी सेहतमंदी से ज्यादा महबूब है हजरत इमाम हसन रजियाल्लाहो ने फरमायाल्ला अबू जर पर रहम फरमाए मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बंदे के लिए जो इख्तियार फरमाया है बंदा ख़ुदा के लिए इख्तियार करदा हालत के सिवा किसी और हालत की आरजू ना करे अल्लाह ताला बंदे के लिए जो पसंद फरमाए बंदा इसी को चाहे जब बंदा खुदा की रज़ा और इख्तियार को देख लेता है तो वो अपनी मर्जी और इख्तियार से मुंह मोड़ कर हर गम फिक्र से निजात पा जाता है ये मानी हालत गबूबियत में मुमकिन नहीं इसके लिए मुशाहिदा दरकार है रजा बंदे को गफलत से छुड़ाती और ग़मों के पंजों से बचाती है और ग़ैर के अंदेशे को दिल से निकालती और तकलीफ़ों की बंदिशों से निजात देती है क्योंकि रजा की सिफ ही आज़ाद कर देना है मामलात रजा की हकीकत मामलाते रजा की हकीकत बंदे की पसंदीदगी है कि वो यकीन रखे कि मना व अल्लाह ताली के इल्म से है और वो एतक़ाद रखे कि अल्लाह तला तमाम हालात का देखने वाला बाबर है इस्मानी के हक़ में उलमा के चार गरों हैं एक ये कि वो ख़ुदा की अता पर राज़ी हो ये मार्फत है दूसरा यह कि वो नेमतों पर राज़ी हो ये दुनिया के अंदर है तीसरा यह कि मुसाइब इब्तला पर राज़ी रहे ये मुख्तलिफ अलनवा मुशक्कतें हैं चौथा यह कि बरगजीदगी पर राजी हो ये मोहब्बत है लिहाजा वो लोग जो अता करने वाले के जलवे को इसकी अता में देखते हैं और जानो दिल से कबूल करते हैं तो इनका यह कबूल करना इनके दिल से इनकी कल्फ मुशक्कत को दूर कर देती है और जो लोग अता के जरिए अता करने वाले को देखते हैं वो अता ही में रह जाते हैं वो तकल्लुफ़ से रजा की राह पर चलते हैं और तकल्लुफ़ में सरासर रंजो मुशक्कत से मार्फत इस वक्त हकीकत होती है जब बंदा हक की मार्फत में व मुशाहिदा हो और जब इसके लिए मार्फत व हिजाबत हो तो वो मार्फत मुकरू व नेमत अजाब और वो अता हिजाब बन जाता है नंबर दो लेकिन वो लोग जो दुनिया के अंदर नेमतों के ज़रिया इससे राजी हों वो हलाकत हलाकतों नुकसान में रहते हैं ऐसी रजा इसे दो जख् में झोंक देती है इसलिए कि जिसके दिल में हक तला की मोहब्बत होती है इसके लिए दुनियावी नेमतों की कोई कदर वकीमत नहीं होती और ना इसके दिल में महरूमी पर कोई रंजो मलाल गुजरता है नमत तो इस वक्त नियमत कहलाती है जब वो नियमत देने वाले की तरफ रहनुमाई करे लेकिन जब वो इसे मुन से महजूब कर दे तो ऐसी नेमत नमत सरापा तो बला होती है नंबर तीन लेकिन वो लोग जो इब्तला के ज़रिया इससे राज़ी हों वो वो हैं जो बला में मैलान को देखते और मुशक्कत के ज़रिया मुशाहदे की तरफ मायल होते हैं इस हालत में इनकी तकलीफ इनको दोस्त के मुशाहदे की मसरत में आजरदा नहीं करती नंबर चार लेकिन वो लोग जो बरगजीदगी के ज़रिया इससे राज़ी हों वो इसके महबूब होते हैं क्योंकि वो हालत रज़ा में सख्ती से ख़ाली होते हैं इनके दिलों की मंजिलें सिर्फ़ हक तला ही की तरफ़ होती हैं इनके सिवा पर्दाए इसरार बजुज मोहब्बत के गुलो गुंचा के कुछ नहीं होता गायब होते हुए भी हाजिर होते हैं फ़र्शी होते हुए भी अर्शी होते हैं और जिसमानी होते हुए भी रूहानी होते हैं ये लोग ख़ालस मुहद रब्बानी और लोगों से दिल बर्दाश्त होते हैं इनके मुकामो अहवाल महफूज इनके बातिन ख़ल्क़ से जुदा हक ताला की मोहब्बत में वारफ्ता और इसके लुफ़ व करम के इंतज़ार में रहते हैं अल्लाह तला फरमाता है लम लना लिकम जर्रम वला नफ़म वम लूना मौतम वाला हयातुम वला नशूरन अलफुर आयतीस वो अपनी जानों के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं होते न मौत वयात और मरने के बाद उठने के मालिक होते हैं लिहाजा हक पर राज़ी होना नुकसान का मौजब और हक के ताला से राजी होना का सबब है इसलिए कि अल्लाह से राजी होना सरहन बादशाहत है और इसी में आफियत है हजूर सलम का इर्शाद है मर्द बलाबू हो व ताइबा बदानू जो अल्लाह की रज़ा और इसकी कजा पर राजी ना हो इसने अपने दिल को तकदीर व इसबाब में मशहूल करके बदन को सख्ती में डाल दिया वल्लाहु आलम हज़रत कलीम की दुआ रज़ा अदीस में वारिद है कि हज़रत मूसा कलीमल्लासम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा दुल अला अमलिन इज़ा अमिलतु रदीत अन्नी। ए मेरे रब मुझे ऐसा अमल बता जिस पर मैं अमल करूं तो मुझे तेरी रज़ा हासिल हो जाए अल्लाह तला ने फ़रमाया मुसा, मुसा ए मूसा यह बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है यह सुनकर हज़रत मूसा रोते हुए सजदा में गिर पड़े चुनाचा वही नाजुल फ़रमाई के यबनामरान रिदाई फी रि इका बिकाजाई ए फरजंद इमरान मेरी रजा तो तु तुम्हारे अंदर है तुम को चाहे के कज़ा पर राज़ी रहो मतलब यह है कि जब बंदा अल्लाह ताला की कजा पर राज़ी रहेगा तो ये इसकी दलील है कि हक हकता इससे राज़ी है जहद और रज़ा के माबैन फजीलत हज़रत बिशरहानी रहमतल्ला ने हज़रत फजील बिन अयाज़ रहमतल्ला से दरियाफ्त किया कि जहद अफजल है या रजा हज़रत फजील ने फरमाया जहद से रजा अफजल है क्योंकि राज़ी इससे ऊपर की मंजिल की ख्वाहिश नहीं करता मकसद ये है कि जाहद के ऊपर और भी एक मंजिल है जिसको हासिल करने की जाहद तमन्ना करता है लेकिन रजा के ऊपर कोई मंजिल नहीं जिसकी राजी तमन्ना करे ऊपर का दर्जा नीचे के दर्जा से अफजल होता है यह वाक्य हजरत मुहासबी के इस कौल की सेहत पर दलालत करता है कि रजा अहवाल के कबील से है यह कोई शय नहीं है जो मुजाहिदे और कसब के ज़रिया हासिल हो जाए बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वह भी यानी अतिया और बख्श के तौर पर हासिल होती है नीज इसका भी एहतमाल है कि राजी को सिरे से तमन्ना ही न हो जैसा कि हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दुआ में फरमाया कि मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि नजूल कज़ा के बाद मुझे राज़ी रखना मतलब यह है कि मुझे ऐसी सिफ्त अता फरमा कि जब तेरी जानब से कजा का इजरा हो तो नजूल कजा के वक्त तू मुझे राजी पाए इससे साबित होता है कि नजूल कजा से पहले रजा दुरुस्त नहीं होती इसलिए कि यहाँ रजा पर अज़म होगा और अज्म रजा एन रजा नहीं होती रजा के बारे में अकवाल मशाइ हजरत अबू अब्बास बिन अता फरमाते हैं कि बंदे पर अल्लाह के कदीम इख्तियार की जानब दिली निगाह को रजा कहते हैं मतलब यह कि बंदे को जो कुछ पहुंचे इस पर वो एत रखे कि ये अल्लाह के इरादा कदीम और हुक्म अजल्ली की बिना पर है जो मेरे लिए मुकद्दर फरमाया है इस पर बंदा बेचैन न हो बल्कि खुश दिल रहे हज़रत हारिस महासबी रम्ह साहिब मजहब फरमाते हैं कि अहकाम इलाही के इजरा पर सुकून कल्ब का नाम रजा है इस मसला में हजरत महासभी का मसल कवि है क्योंकि दिल का सकून व इतमान बंदे के इख्तियारी अमल से मुतक नहीं है बल्कि ये वह भी और अल्लाह ताला की बख्शो अता से ताल्लुक रखता है ये बात इसकी दलील है कि रजा अहवाल के कबील से है मुक़ाम से इसका ताल्लुक नहीं है अहले इल्म बयान करते हैं कि हज़रत अतबतुल गुलाम रात भर नहीं सोए और दिन चढ़ते तक यही कहते रहे अगर तू मुझे दोजख के अंदर अजाब में डाल दे या अपनी रहमत की चादर में ढांप ले दोनों हालतों में मैं तुझसे मुहब्बत करता रहूँगा मतलब यह है कि ऐजाब की तकलीफ़ और नेमत और लज्जत जिसम पर होगी लेकिन अगर मोहब्बत दोस्ती मेरे दिल में कायम रहे तो ये ईजाब मेरे लिए नुकसान रसाना होगा ये बात भी हज़रत मुहासबी के मज़हब ही की तयद करती है क्योंकि रजा मोहब्बत का नतीजा है और मोहब्बत करने वाला महबूब के हर फ़ेल पर राजी रहता है और अगर वो अजाब में रखे जब भी दोस्ती से महजूब नहीं होता बल्कि खुश रहता है और अगर नेमत में रखे तब भी दोस्ती से महजूब नहीं होता और अपनी ख़्वाहिश को हक्ला के इख्तियार के मुक़ाबला में दखल अंदाज नहीं करता हज़रत अबूस्मान हिरी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि चालीस साल गुजर गए हैं अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैंने इसे नापसंद ना किया और जिस हाल की तरफ भी इसने मुझे फेरा मैंने इससे नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की ये इशारा दायमी रज़ा और कमाल मोहब्बत की तरफ है मशहूर वाक्य है कि दजल्ला में एक दरवेश फंस गया वो तैरना नहीं जानता था किसी ने किनारे से पुकारा कि ए दरवेश अगर तुम चाहो तो किसी को बुलाओ ताकि वो तुम्हें निकाल ले दरवेश ने कहा नहीं इस शख्स ने कहा क्या गर्क होने वाली ख्वाहिश है दरवेश ने कहा नहीं इसने फिर कहा क्या चाहते हो जवाब दिया वही चाहता हूँ जो मेरा रब मेरे लिए चाहता है गर्ज़ के रज़ा की तारीफ व बयान में मशा का बहुत इख्तलाफ है लेकिन इस बाब में दो बुनियादी क़ायदे हैं जिनको बयान करके बहस को मुख्तर करता हूँ मगर मुनासिब है कि पहले अहवाल मुकाम का फ़र्क और इसके हदूद ज़ाहिर कर दूं ताकि इसके समझने में सबको आसानी हो और इसके हदूद से भी वाकफियत हो जाए इनशा मुकाम वाल का फ़र्क मालूम होना चाहिए कि मुकाम वाल के दोनों लफ्स तमाम मशा के माबेन मतमल और इनकी इबारतों में राइज और महक्कीन केलूम बयान में मुतदअल्वल हैं बयान इल्म तरीक़त के लिए इनकी वाकफ़ियत के बग़ैर कोई चारकार नहीं है मुक़ाम की तहक़ीक वाज हो के मुकाम मीम के पेश से बंदे का क़्याम और मीम के ज़बर से बंदे के जाए अकामत्याम के मानी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ मुकाम के मानी और इसकी तफसील के लिए अरबी जुबान के कवायद का एतबार लिहाज करना और गलत है चूँकि कवायद अरबी में लफ्ज़ मुकाम मीम के पेश से बमाना अकामत जाए कयाम के हैं और बंदे का राह में अकामत के मानी इसमें नहीं है इसी तरह मुकाम मीम के ज़बर से कयाम के हैं बंदे का राह हक में क्याम के मानी इसमें नहीं है और बंदे का इस मुकाम के हक को अदा करना और इसकी रियायत करना ताकि इसके कमाल तक वो रसाई पाए जहाँ तक भी इसकी कदर हो जायज़ है अलबत्त यह जायज़ नहीं है कि इस मुकाम का हक अदा किए बगैर इस मुकाम से गुजरा जाए मसलन पहला मुकाम तोबा है इसके बाद अनाबत फिर जहद फिर तवक्ल वगैरह वगैरह मतलब ये है कि यह जायज़ नहीं है कि बग़ैर तोबा के अनाबत में पहुंच जाए या बगैर अनाबत के जहद हासिल कर ले या बग़ैर जहद के तवक्ल मिल जाए अल्लाह ताला ने हमें जबरीलम के कलाम में तालीम दी के यानी हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए कोई मुकाम मालूम न हो हाल की तहक़ीक हाल इस मानी को कहते हैं जो हाल की तरफ से बंदे के दिल पर तारी हो और इसे वो अपने कुदरत इख्तियार से दूर ना कर सकता हो और ना किसी मेहनत वमुजाहे से हासिल कर सकता हो मतलब यह कि जब दिल में आए तो दूर ना कर सके और ना आए तो वो ला ना सके लिहाजा बारगाह इलाही में रियाजत व मुजाहदे के जरिया महल रियाजत और इसके दर्जा में तालब की राह और इसकी जाय अकामत का नाम मुकाम है और जो कैफियत बग़ैर रियाजत मुजाहदे के दिल पर वारिद हो वो अल्लाह तुफ व फजल है इसका नाम हाल है इसी लिहाज से मुकाम आमाल की कबील से है और हाल अल्लाह ताला की बख्शिश और इसकी अता के ज़ुमरे में है गोया मुक़ाम अव्वल त आखिर कसबी है और हाल वह भी है लिहाजा साहेब मुकाम अपने मुजाहदे में कायम और साहेब हाल अपने वजूद में फ़ानी है और वो इस हाल के साथ कायम है जिसे हक तला ने इसके दिल में पैदा फरमाया है मशाइ की एक जमात हाल के दवाम को जायज रखती है और एक जमात दवाम को जायज नहीं रखती इसलिए कि इनमें इख्तलाफ है चुनाच हजरत मुहासबी रहमुल्ला का मजहब हाल के दवाम का है वो फरमाते हैं कि मोहब्बत शौक और कब्ज़ बस्त यानी दिल की तंगी और कुशादगी ये सब अहवाल से मुतालिक है अगर इसमें दवाम को जायज ना माना जाए तो मुहिब मुहिब नहीं रह सकता और ना मुश्ताक मुश्ताक रह सकता है जब तक हाल बंदे की सिफ्त ना हो तो इसका वक़ूह बंदे पर किस तरह हो सकता है इस बिना पर आप रजा को अहवाल के कबील से शुमार करते हैं और हजरत अबू उस्मान हेरे के कौल का इशारा भी इसी तरह है कि चालीस बरस गुजर गए हैं अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा मैंने इसे नापसंद नहीं किया मशाह की वो दूसरी जमात जो हाल के दवा बका को जायज नहीं मानती इन में से एक हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्ला अल हैं इनका इरशाद है कि अहवाल बिजली कोंदने की मानंद हैं जो जाहिर होती है और खत्म हो जाती है और जो बाकी रहती है वो हदीस नफ्स यानी तभी तख्लीक है एक जमात ने इसकी नस्बत यह कहा कि अहवाल की कैफियत अपने नाम ही की मानंद है यानी जिस तरह दिल में आता है इसी तरह दूसरे वक्त दिल से जायल हो जाता है और जो कैफ़ियत बाकी रहती है इसको सिफ्त कहते हैं और सिफ्त का क़याम मौसूफ के साथ होता है वरना लाज़िम आएगा कि मौसूफ अपनी सिफ्त में कामिल हो ये मुहाल है मैंने हाल और मुक़ाम का ये फ़र्क इसलिए वाज करके बयान किया कि इस किताब में जहाँ कहीं भी मशाइ के अकवाल में हाल मुकाम का ज़िक्र आए तो जान सको कि इससे क्या मुराद है मुख्तसरन इतना याद रखो कि रजा मुकाम की इंतहा और अहवाल की इब्तदा है और ये मुकाम ऐसा है जिसका एक किनारा रियाजत मुजाहिदे की तरफ है और दूसरा किनारा मुहब्बत मुहबत इश्तिया की ऊपर और कोई मुकाम नहीं और तमाम मुजाहिदे इसी पर ख़त्म हो जाते हैं इसी की इब्तदा कस्बी है और इसी की इंतहा वह भी अलबत्मक है कि जिसने अपनी रजा की इब्तदा अपने साथ देखी इसने कह दिया कि ये मुक़ाम है और जिसने अपने रज़ा की इंतहा हक़ के साथ देखी इसने कह दिया कि ये हाल है तसव्फ़ में हजरत मुहासबी के मज़हब का मामला ये है बाएँ हमा तसव्फ़ के मामलों में उन्होंने कोई इख्तलाफ़ नहीं किया अलबत्त उन्होंने अपने मुरीदों को ऐसी इबारात और मामलों में जजरतोबी फरमाई है जिसमें किसी किस्म का अबहमोता हो अगरचे वो असल में दुरुस्त ही क्यों न हो जैसे एक दिन हज़रत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्ल जो हज़रत मुहासबी के मुरीद थे इनके पास आए चूंकि वो साहब हाल और साहेब समा थे और हज़रत हारिस मुहासबी के यहाँ एक मुर्ग था जो बांग दिया करता था इतफ़ाक से मुर्ग ने उस वक़्त बांग देनी शुरू कर दी इसी बांग पर हज़रत हमजा ने नारा मारा हज़रत मुहासबी खंजर लेकर उठ खड़े हुए और फरमायाफरत तुमने कुफ़र किया और हज़रत हमजा को मार डालने के लिए बढ़े दीगर मुरीदैन हजरत शेख के कदमों में गिर पड़े और बमश्क इन्हें बाज रखा इसके बाद उन्होंने अबू हमजा से फरमाया असल में या मरतूद ओ मरतूद इस्लाम कबूल कर जब मामला रफ्त गुजश्त हो गया तो मुरीदों ने अर्ज़ किया कि ए शेख जब हम आप सब अबू हमजा को महसूस अलिया और तोहेद पर इस्तकामत रखने वालों में से जानते हैं तो आपको इन पर क्यों शको शक तरद हुआ हज़रत मुहासबी ने फरमाया इनके ईमान पर कोई शक व तरद नहीं हुआ यकीन मैं इसे मुशाह हक और दिल से तोहेद में मुस्तरक जानता हूँ लेकिन हम इसे ऐसा करने की कैसे इजाज़त दे सकते हैं जैसे हलूलियों का वतीरा और इनके किरदार का अशार है मुर्ग एक बेअकल जानवर है वो अपनी आदत के मुताबिक बांग देता है इसे हक के साथ हम कलामी कैसे हो गई ये बात हक के शायन शान भी नहीं वो तजी से पाक है और इसमें भी शुबा नहीं कि अल्लाह ताला के दोस्तों का हर वक्त और इनका हर हाल हक के साथ है और इनका हर लम्हा खुदा के शायन शान व कलाम के बगैर आराम व चैन से नहीं गुजरता इसके बावजूद किसी चीज में इसका हलूल व नजूल भी जायज़ नहीं और ना कदीम पर इतिहाद इमजाज और तरक्कुब जायज़ है हज़रत अबू हमज़ा ने जिस वक्त मुरशद की बाल नजरी को देखा अर्ज़ करने लगे ऐ शेख अगरचे मैं असल के एतबार से रास्ते पर था लेकिन चूंकि मेरा यह फेल ऐसी कौम के मुशाबे बन गया था जो हलूली और गुमराही में मुब्तला है मैं रजू और तोबा करता हूँ चूंकि मेरा मकसूद इख्तसार है इसी पर इतफा करता हूँ बिलाशुबा इनका ये तरीक सलामती और हिफाजत की राह में सेहत कमाल के बावजूद बहुत पसंदीदा और लायके तारीफ़ है हज़रत महम्मद सल्हु वस का इरशाद है मनकान मिनकुम यकमिन बिल्ला वालयिल आख़िर फलायकी फन्ना मवाकिफ़त तुहमी तुम में जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वह तुहमत की जगहों पर हरगिज़ खड़ा ना हो हजूर सैदना हज़रत दाता गंजब्श्श रहमत फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तारा से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ऐसी ही तोफ़ी नसीह फरमाए और आज कल के रस्मी पीरों फ़कीरों की सोहबत से बचाए ये ऐसे लोग नहीं जिनकी रयाव मासीत में अगर मौफ़िकत ना की जाए तो दुश्मन हो जाते हैं नौजबिल्ल मिनलजहीम बिसवाब नंबर दो फिर कसारी कसारी फ्रक़ा के पेशवा हज़रत अबू साले बिन हमदून बिन अहमद बिन अमारा कस्सार रमत आल हैं जो अकाबर उलमा और शादात तरीक़त में से हैं इनका मसल को मशरब मामला तो नशर वशात है फ़नून मामला में इनका कलाम बुलंदोबाल है वो फरमाते हैं कि लोगों को जताने के मुकाबला में तुम्हारा इल्म अल्लाह के मुतालिक बहुत बेहतर से बेहतर होना चाहिए मतलब यह है कि खिलवत में अल्लाह ताला के साथ तुम्हारा मामला इससे बेहतर होना चाहिए जो तुम लोगों के साथ जाहिर में करते हो और इसके लिए राय हक में सबसे बड़ा हिजाब यह है कि तुम्हारा दिल लोगों के साथ मशहूल हो मलामती मशरब के बारे में शुरू किताब में बहुत कुछ लिख चुका हूँ मुख्तसरा यह के हिकायत हजरत अबूसाले बयान करते हैं कि एक मरतबा में निशापुर में नहर हेरा के किनारे जा रहा था वहाँ एक शख्स नूह नामी जिसकी जमा मर्दी निशापुर में मशहूर थी रास्ते में मिला मैंने इससे पूछा कि ए नूह जमां मर्दी क्या है इसने कहा आप मेरी जमा मर्दी के बारे में दरियाफ्त करते हैं या अपनी जमा मर्दी के बारे में मैंने कहा दोनों के बारे में इसने कहा मेरी जमा मर्दी तो ये है कि मैंने कुबा को उतार कर गजड़ी पहन ली है और ऐसा मामला करने लगा हूँ जिससे सूफी बन जाऊँ खुदा से हया करता हूँ और इस लिबास में मासीत से परहेज करता हूँ और आपकी जमा मर्दी ये है कि आप इस गदड़ी को उतार डालें ताकि आपसे लोग फितना में मुबला ना हो लिहाजा मेरी जमां मर्दी ज़ाहिर शरीय की हिफाजत में है और आपकी जमां मर्दी बातनी हकीकत की हिफाजत में है यसल बड़ी कवि है वह आलम नंबर तीन फ़िरका तिफूरिया तिफूरी फ़िरका के पेशवा हज़रत अबू यजीद तैफ़ूर बिन ईसा बिन सरोशा बस्तमी रहमतल्ला हैं जो अकाबिर और सादात सूफिया में से हैं ये साहिब गलबा और साहिब शुक्र थे शौक ए इलाही का गलबा शिक्र और मोहब्बत इंसान की मोहब्बत किसी जिन से नहीं है बल्कि ये इंसान के कस्बो अख्तियार के अहाता से बाहर है जो इसका दावा करे वो बातिल है और ऐसियों की तकलीद मुहाल है लिहाजा किसी सेहतमंद के लिए शुक्र यानी मदहोशी सिफ्त नहीं हो सकती लामुहाल आदमी सिक्र को अपनी तरफ लाने की कुदरत नहीं रखता बल्कि वो खुद सिक्र के हाथों हो जाता है वो न लोगों की तरफ मतवजा होता है ना इससे तकल्लुफ की कोई सिफ्त ज़ाहिर होती है इस बारे में मशा का मसलक ये है कि साहिब इस्तकामत ही की पैरवी और तकलीद की जाए गर्दिश अहवाल की इब्तदा दुरुस्त नहीं होती अगरचे मशाइ की एक जमात इसे जायज रखती है कि आदमी अपने से गलबा शिक्र की राह इख्तियार कर सकता है क्योंकि हजूर अक्रम सल्हसम का इरशाद है इबकू फताबन माचा तजर उजारी करो अगर ना कर सको तो रोने में किसी सूरत बना लो इसकी दो सूरतें हैं एक तो ये कि रयाकारों की मानंद खुद को भी वैसा ही बना लो ये के सरी है दूसरी ये कि खुद को वैसा बना लो ताकि हक तला इस बनावट को हकीकत के इस दर्जा के मुताबिक बना दे जो अहले हकीकत का है ताकि हजूर अक्रम सल के इस फरमान के मुाफ़ बन जाओ मन तशबाह कौमिन फाहुन हम अबू जिस जिसने जिस कॉम की मुशाबहत की वो इसी में से है लिहाजा इकसाम मुजाहिदे में से जिस कदर हो सके इसे तू करता रहे इसके बाद वो खुदा से उम्मीदवार है कि इस पर इसके मानी हकीकत को खोल दे एक बुजुर्ग फरमाते है है। हैं कि मुजाहिदों से मुशाहिदे हासिल होते हैं हजूर सयदना दाता बख्श रहमत फरमाते हैं कि मुजाहे हर लिहाज से उमदा और बेहतर हैं लेकिन सिकर वलबा इंसान के कस्बो इख्तियार में नहीं है कि वो मुजाहिदों से इसे हासिल कर सके और हसूल सिक्र के लिए मुजाहिद भी सबब नहीं है सेहतमंदी की हालत ही में मुमकिन है और कोई सेहतमंद शिक्र की हालत को कबूल नहीं कर सकता क्योंकि ये महल्ले आदि है अब मैं सिक्र सहू को और इसमें इख्तलाफ अकवाल को बयान करता हूँ ताकि मुश्किल दूर हो जाए इन शह सहू की बहस वाजे रहना चाहिए कि अरबाब मानी ने शकरो ग़लबा मदहोशी से गलब मोहब्बत इलाही और सहू सेहतमंदी से हसूल मकसद मुराद लिए हैं इस मसला में अहल मानी का बहुत अख्तिलाफ है चुनाचे एक जमात सिक्र को सहू पर फजीलत देती है और एक जमात सहू को शिक्र पर बरतरी देती है पहली जमात जो सिक्र को सहू पर फजीलत देती है इन हजरत अबू जजीद बस्तानी और इनके मतबीन हैं इनका कहना है कि सहू आदमियत की सिफ्त पर एतदाल इस्तकामत की शक्ल बनाती है और ये मुशाहिद हक में बहुत बड़ा हिजाब है और शुक्र आफत के झायल होने सिफात बशरीत के फना करने तदबीरोंख्तियार के नेस्तों नाबूद होने और मानवी बका और हक ताला के अफ़ाल में बंदे के तसरफात के फना होने और इस क़्वत के फना होने से जो बंदे में इसकी जन्स के खिलाफ है हासिल होता है। ये हालत शुक्र ब मुकाबला है चुनाचे हालत सहू में जब हजरत दाऊद सादर हुआ जिसका जिग्र ताला ने फरमाया तो इनके इस फेल की नस्बत इन्हीं की तरफ फरमाई जैसा कि फरमाया वातला दाऊद जालूता अलबकरा दो सौ इक्यावन हजरत दाऊद ने जालूत को कतल किया और हमारे नबी सल्हुसम चूंकि हालत शिक्र नाफीजात पर फायस थे तो आपसे जब फेल वजूद में आया तो अल्लाह ताला ने इस फेल की नस्बत अपनी तरफ फरमाई जैसा कि फरमायात्रा आपने वो मुश्तः खाक नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है लिहाजा बंदे और बंदगी के दरमियान बड़ा फासला है जो अज खुद कायम और अपनी सिफात में साबित बरकरार है अल्लाह तला ने तो फरमाया तू ने किया अगरचे इसमें भी इनकी बुजुर्गी और करामत का इजहार है लेकिन वो ज़ात जो हक के साथ कायम है और अपनी सिफात में फानी है इसे यूँ फरमाया के जो कुछ तुमने किया वो हमने किया लिहाजा बंदे के फेल की नस्बत हक के ताला के साथ होना इससे अफजलो बेहतर है जिससे हक के ताला के फ़ेल की नस्बत बंदे की तरफ की जाए जब फेल इलाही की नस्बत बंदे की तरफ होती है तो बंदा अपने वजूद से कायम होता है और जब बंदे के फ़ेल की नस्बत हक के साथ हो तो वो हक के साथ कायम व बाकी रहता है जब बंदा अपने वजूद में साबित सबित बरकरार होता है तो बंदा हजरत दाऊद सलाम के जेर कदम नज़र आता है और बस अवकात ऐसी हालत में इसकी नज़र नामुनासिब मुकाम पर भी पड़ जाती है जैसे कि हज़रत दाऊद की नज़र औरत पर पड़ी और जो देखा सो देखा और जब बंदा हक़ के साथ कायम हो जाए जैसे कि हमारे नबी इक्रम वसल्लम हैं तो इसकी नज़र का ये आलम हो जाता है कि जब इसकी नज़र जिन से औरत पर ही पड़ती है तो हज़रत जैद रज़ी की बीवी ख़ुद जैद पर हराम हो जाती है इसकी वजह यही है कि हज़रत दाऊद साम और हज़रत ज़ैद रज़ील्ह तहो महल सहू होशो इख्तियार में थे और हमारे हजूर सलिल्लह वसम महल शिक्र में और वो जमात जो सहू को शुक्र पर फजीलत देती है इनमें हज़रत जुनेद बगदादी बगद्दादी रहमतल्ला और उनके ताबिन हैं इनका ये कहना है कि शुक्र महल आफत है इसलिए कि शुक्र में अहवाले परागंदा, गंदा सेहत होश मफकूद और बंदे के तमाम अलाइक गुम होते हैं और जब बंदा तमाम कवायद मानी का तालिब हो ख्वासूरत फना में या हालत बका में ख्वा नाबूद होने की सूरत में या इस्बात की शक्ल में अगर बंदा सही अल हाल ना होगा तो तहक़ीक का फ़ायदा कैसे हासिल हो सकेगा इसलिए कि अहल हक का हर दिल मौजूद मखलूक से खाली होना चाहिए और बिनाई की बुनियाद कैद अशिया में कभी चैन नहीं पाती और इसकी आफत हरगिज़ झल नहीं होती लोग हक ताला के मुशाहदे से इसीलिए महरूम रह जाते हैं कि वो हक्के ताला के सिवा चीज़ों को जैसी कि वो हैं वो नापैदो फना होने वाली हैं नहीं देख पाते और वो इसमें फंस रहते हैं सही तौर पर अशिया का देखना दो तरह पर है देखने वाली चीज़ों को या तो बका की नज़र से देखा जाए या फिर फना की नज़र से अगर वो बका की नज़र से देखेगा तो इन तमाम चीज़ों को अपने वजूद में ना पाएगा क्योंकि वो चीज़ों को इनकी मौजूदा हालत में अपने वजूद के साथ बाकी देखेगा और अगर फना की नज़र से देखेगा तो वो तमाम चीज़ों को हक ताला की बका के पहलू में फ़ानी और नापैद देखेगा ये दोनों कैफियतें मौजूदात से देखने वाले का मुंह फेर देती हैं इसलिए हजूर अक्रम सल्ह वसम ने बहालत दुआया फरमाया कि अल्लाशिया कमा ए खुदा मुझे अशिया की हक़ीक़त जैसी के वो हैं दिखा ये इसलिए कि जिसने अशिया को इनकी हकीकत के साथ देखा वो आसूदा रहा इस मानी में हक तला का ये इर्शाद है कि फिर अबसार अलहशर दो ए देखने वाले साहेब बसीरत ये निगाह इब्रत देख बंदा जब तक देखेगा नहीं तो वो इबरत कैसे हासिल कर सकेगा इसलिए ये बातें हालत सहू होश इख्तियार के सिवा कैसे दुरुस्त हो सकती हैं अहल शुक्र की इन मानी तक कैसे रसाई मुमकिन है चुनाचे हजरत मूसा शुक्र की हालत में थे वो एक तजल्ली रब्बानी को बर्दाश्त ना कर सके होश जाते रहे जैसा कि हक ताला ने फरमाया है व्रमु सान अलआराफ आयत तैतालीस मूसा सलाम चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़े और हमारे रसूल अलैहि वसल्लम की हालत सहूक की थी इसलिए मक्का मुकरमा से क़ाबा अल नज़म नौ एन तजल्ली रबानी में बेदार और होशियार रहे मैंने शराब राहत प्याले भर भर के पिए लेकिन शराब ने मुझ पर ना असर किया और ना मैं इससे सैराब ही हो सका मेरे शेख व मुर्शिद ने फरमाया जो जुनेदी मुशरब के थे शुक्र बच्चों के खेल का मैदान है और सहू मर्दान खुदा के फना का मैदान है हज़ूर सयदना दाता गंज गंजब्श रहमतुल्ल फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख व मुरशद की मुताबियत और इनकी मुफ़िकत में कहता हूँ कि साहिब शुक्र के हाल का कमाल सहू है और सहू का अदना दर्जा ये है कि वो बशरी हालत में दीदार से महरूम रह जाए लिहाजा ऐसा सहू जो ये आफत बरपा ना करे इस शक्कर से बेहतर है जो सरासर आफत है हज़रत अबूस्मान मग़रबी रमतुल्ल के वाक्यात में मजकूरा है कि उन्होंने इब्तदाए अहवाल में जंगलों में बीस साल तक ऐसी गोशा नशीनी की जिंदगी बसर की कि किसी आदमी की बू तक ना सूंघी यहाँ तक के रियाजत मुजाहिदे ने चेहरे पर झुरियाँ और आँखों में हल्के डाल दिए बीस साल के बाद सोहबत जलवद का फरमान हुआ इस वक्त उन्होंने दिल में सोचा कि पहले अहले अल्लाह और फिर खाना काबा के हम नशीनों के साथ हम नशीनी करना मुबारक रहेगा चुनाचे मक्का मुकरमा का कस्त करके चल दिए इधर अलिया कराम के दिलों में इल्हाम हो चुका था कि हज़रत अबू उस्मान आ रहे हैं तो वो सब इनके इस्तबाल के लिए बाहर आ गए उन्होंने इनको इस हाल में पाया कि बिनाई पथरा चुकी थी और सवाए ज़िंदगी के रमक के इनके जिसम में कुछ ना था ये हाल देखकर कहने लगे कि ए अबू उस्मान आपने ज़िंदगी के बीस साल इस शान से गुजारे कि तमाम लोग आपके जिंदा होने ही से मायूस हो चुके थे हमें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने क्या देखा और क्या पाया और क्यों वापस आए हज़रत अबू उस्मान ने फरमाया कि मैं बहालत शुक्र गया शुक्र की आफत देखी मायूसी को पाया और आजी से वापस आ गया तमाम मशाइ ने बक जुबान कहा अब आपके बाद सहू शुक्र की ताबीर हर तारीफ करने वाले पर हराम है क्योंकि उन्होंने तश्रय ताबीर का हक अदा किया और शुक्र की आफत को ज़ाहिर फरमा दिया गर्ज यह कि शुक्र सिफ्त का एन और फनाए सिफ्त का गुमान है और ये सरापाए हिजाब है और सहु फनाए सिफ्त में मुकम्मल मुशाहिदा की बका है और एन कश्फ व मुशाह है अगर किसी ये सूरत हो कि सहू के मुकाबले में शुक्र फना से ज़्यादा नज़दीक हो तो ये मुहाल है क्योंकि शुक्र ऐसी सिफत है जो सहू पर ज्यादा है और जब तक बंदे में ऐसी सिफात का इजाफा होता रहे वो इस वक्त तक बेखबर रहता है और जब बंदे में ये सिफात कम होने लगे इस वक्त तालिब को उम्मीद हो सकती है कि मुशाह हो सहू शुक्र की तारीफ में ये इंतहाई हालत का बयान है हकायत हज़रत बजीद बस्तमी रहमत जो मगलूबल हाल थे इनका वाक़ा ये है कि हज़रत मुआज़ ने इनके नाम एक खत भेजा जिसमें दरियाफ्त किया कि आप इस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसने दरियाए मोहब्बत से एक कतरा पिया और मस्त हो गया हजरत बायजीद ने जवाब में तहरीर फरमाया आप इस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर सारे जहान के दरिया मोहब्बत की शराब बन जाए और वो शख्स इन सब को भी पी जाए फिर भी वो शराब ना हो और प्यासा ही रह जाए लोगों ने इससे ये समझा कि हज़रत याहिया ने शुक्र की तरफ इशारा फरमाया था और हज़रत बायजीत ने सहूक की तरफ इशारा फरमाया हालांकि वाक इसके बरक्स है यानी साहेब सहू वो होता है जो एक कतरा की भी बर्दाश्त ना रखे और साहब शुक्र वो होता है जो मस्ती में सब कुछ पी कर भी प्यासा रहता है इसलिए कि शराब मोहब्बत मस्ती का सर चश्मा है जिन्स के लिए हम जिन्स ही बेहतर होती है सहू चूंकि इसकी जिद है इसलिए वो शराब से राहत नहीं पाता बल्कि इसके लिए शरबत विसाल और दीदार मुशाहिदा मौजब राहत होता है मुतरजम शुक्र के अकसाम शुक्र की दो किस्में हैं एक शराब मददत से दूसरे जाम मोहब्बत से सिक्र मद्दत मालूल है यानी वो सब के साथ है क्योंकि मदहोशी और मस्ती नेमत के दीदार से पैदा होती है और शिक्र मोहब्बत गैरमालूल बेइल्लत और सबब है क्योंकि ये मस्ती नाम यानी हक तआला के दीदार से पैदा होती है लिहाजा जिसने नेमत को देखा गोया इसने खुद को देख लिया और जिसने मुनाम को देखा इसने अपने आप को नहीं देखा अगरचे वो हालत शुक्र में है लेकिन इसका ये शुक्र सहू है सहू की अकसाम इसी तरह सहू की भी दो किस्में हैं एक सहू बर गफलत दूसरा सहू बर सहबत सहू बर गफलत बहुत बड़ा हिजाब है और सहू बर सोहबत रोशन वाज कशफ व मुशाह है लिहाजा जो गफलत पर होता है अगरचे वह सहू व होशमंद है मगर शक्रो मदहोश है मगर शक्र मदहोश है और जो मोहब्बत में वासिल बहक हो जाए अगरचे वो शकरो बदहोशी में हो मगर वो सहु होशमंद है और जब असलो बुनियाद मजबूत मस्तहकम होती है तो सहु शुक्र की मानंद और शुक्र सहू की मानंद होती है और जब असलो बुनियाद दुरुस्त सही ना हो तो दोनों बेफायदा और बेकार हैं खुलासा यह है कि मर्दान खुदा की जाए अकामत में सहुशुक्रख्लाफ सबब की वजह से मालूल होता है लेकिन जब सुल्तान हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना जमाल दिखाए तो सहु और शुक्र दोनों तो फैली रह जाते हैं इसलिए इन दोनों के किनारे और सरहदें एक दूसरे से मिली हुई हैं और एक की इंतहा में दूसरे की इब्तदा शामिल है इब्तदा इंतहा सवाए तफरका के कुछ नहीं चूंकि इनकी नस्बत तफरक़ा से है इसलिए हुक्म में दोनों बराबर हैं और दो नफ़ी के जमा करने से तफरुआ ही होगा इसी फहू में ये शेर कहा गया जब दीदारे हक की सुबह दिल को खुश करने वाले तारों के साथ तलु होती है तो इसमें मस्तो होशियार दोनों बराबर होते हैं हिकायत सरखस में दो बजुर्ग रहते थे एक का नाम लुकमान और दूसरे का नाम अबुल फजल हसन था एक दिन लुकमान फजल के पास आए अबुल फजल के हाथ में किताब देख कहा ए अबुल फजल किताब में क्या तलाश कर रहे हो उन्होंने जवाब दिया इसे तलाश कर रहा हूं जिसे तुम इसको छोड़कर तलाश कर रहे हो लुकमान ने कहा यह खिलाफ क्यों है अबुल फजल ने जवाब दिया खिलाफ तो तुम कर रहे हो और मुझसे दरियाफ्त कर रहे हो कि क्या तलाश कर रहे हो लिहाजा मस्ती से होशियार बनो और होशियारी से बेदार हो ताकि तुमसे खिलाफ उठ जाए और जान सको कि हम और तुम किसे तलाश कर रहे हैं मजकूरा बहस से तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि तैफूरियों का जुनेदियों से कितना अख्तलाफ है तसव्वुफ के मामला में इनका मजहब मुतलकन तरके सोहबत और इजलत नशीनी इख्तियार करना और वो अपने मरीदों को इसी की तलकीन किया करते थे अगर ये मुयसर आ जाए तो ये तरीका महमूद और सीरत लय सतश है नंबर चार फिरका जुनेदिया फरक़ जुनेदिया के पेशवा हज़रत अबू अल-कासम जुनेद बिन मोहम्मद बगदादी रहमतुल्ला हैं जिनको अपने ज़माना में ताउसमा कहा जाता था वो मशाइ के सरदार और आयमा थे इनका तरीका तिफूरी मजहब के बरक्स सहू पर मबनी है जिसकी तफसील गुजर चुकी है जुनेदी मसला व मशरब तमाम मजाहब में सबसे ज्यादा मशहूर और मरूफ है अक्सर वेशतर मशाइ जुनेदी मसलक पर हुए हैं माँ सिवा इसके तरीक़त के मामलों में इनके इख्तलाफ और यही बहुत से हैं लेकिन मैंने अख्तसार के पेश नज़र इसी पर इतफ़ा करके इन्हें छोड़ दिया वाहिल तोफ़ीक हकायत हज़रत हुसैन बिन मंसूर हलाज अलैह अपने गलब हाल में जब हज़रत उमरू बिन उस्मान से जुदा होकर हज़रत जुनेद के पास आए तो आपने फरमाया क्यों आए हो अर्ज़ किया इसलिए कि शेख की सहबत में रहूं। आपने फरमाया मुझे मजनूनों की सहबत दरकार नहीं क्योंकि सोहबत के लिए सेहत चाहिए जब तुम आफत की मौजूदगी में मेरे करीब रहोगे तो ऐसा ही होगा जैसे तुमने हजरत अब्दुल्ला तुस्तरी और उमरू के साथ रहकर किया और फिर जुदा होकर चले गए इसके जवाब में हजरत ने फरमाया शेख सहू व शुक्र तो बंदे की सिफतें हैं और ये बंदे के साथ उस वक्त तक पैस्त हैं जब तक वो अपने रब से महजूब है हती के इसकी तमाम सिफात फना ना हो जाए इसके जवाब में हज़रत जुनेद ने फरमाया मंसूर के बेटे तुमने सहू और शुक्र के मानी समझने में गलती की है इसलिए के बिलाखिलाफ सहू का मफहूम ये है कि बंदा का हाल हकला के साथ सही हो और ये मफहूम ना बंदे की सिफ्त है और न इसके इकतब हक़ के तहत दाखिल है और अबन मंसूर मैंने तुम्हारी बातों में बहुत सी लोग और बेमानी इबारतें पाई हैं वल्लाहु आलम। नंबर पाँच फ़िरका नूरिया नूरी फ़िरका के पेशवा हज़रत अबू अल हसन अहमद बिन नूरी रहमत हैं जो मशाइ में उल्मा और आलाम गुजरे हैं और नूरी के लक़ से मशहूर हैं मशाइ में इनके औाफ़ हमीदा और दलाइल कविया मारूफ हैं तसवफ़ में इनका मजहब मुख्तार है इनके मजहब की बुनियादी खसूसियत यह है कि वो फक्र पर तसव्फ़ को फजीला देते हैं और इनका मामला हज़रत जुनेद रब के मजहब के मवाफिक है और इस तरीका के नवादरात में से ये है कि साहब हक सहबत में अपने हक का इशार करते हैं इसलिए कि वो बग़ैर इशार के सहबत हराम जानते हैं हजरत नूरी फरमाते हैं कि दरवेशों के लिए सहबत फ़र्ज है और गोशा नशीनी नापसंदीदा और ये कि हमनशीन का दूसरे हम नशीन के लिए ईसार भी फर्ज है सुनाचे इनका इर्शाद है गोशा नशीनी से बचो क्योंकि गोशा नशीनी शैतान की हमनशीनी है और बंदगाने खुदा की सोहबत में आओ क्योंकि सोहबत में अल्लाह ताला की खुशनुदी है अब मैं ईसार की हकीकत बयान करता हूँ और जब सोहबत और इजलत के बाब में पहुंचूंगा तो वहां इसकी भी वजाहत कर दूंगा इनशालासार की बहस अल्लाह तरशाद है फुसम वलोकान बेहिम खसातन अलहशर नौ मुसलमान अपनी जानों की नस्बत दूसरों पर इशार करते हैं अगरचे इन्हें तंगी हो इशार करने वाले अगरचे खुद इसके ज़रूरतमंद होते हैं ये आया करीमा फ़करा साहबा की शान में ख़ास तौर पर नाजिल हुई इशार की हकीकत ईसार की हकीकत यह है कि सोहबत में अपने रफ़ीक के हक़ की हिफाजत रखे और अपने हक़ से इसके हक की खातिर दस्तबरदार हो जाए और अपने रफ़ीक को आराम और राहत पहुँचाने में खुद तकलीफ बर्दाश्त करे

वो खुद इसका हाजतमंद हो ये इस हुक्म खुदाबंदी के तहत है जिसे अपने रसूल मुख्तार सलम को हुक्म दिया कि दरगुजर से काम लो और नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से दूर रहो ये मसला अपनी कामिल तशरीह के साथ आदाब सोहबत के बाब में आएगा इन शार की अकसाम इसार की दो किस्में हैं एक सोबत में इशार करना जैसा के लिखा जा चुका है दूसरे मुहब्बत में इशार करना लेकिन हम नशीन और रफ़ीक के हक में इशार करना एक तरह से रंजो तकलीफ है लेकिन दोस्त के हक में इशार करना सरासर राहत ही राहत है हिकायत वाक्य मशहूर है कि गुलामुल खलील ने जमात सूफिया के साथ जब अदावत का इजहार किया और हर एक से तरह तरह की दुश्मनी पैदा की और हज़रत नूरी रकाम और अबू हमजा रहीम को गिरफ्तार करा के दरबार खिलाफत में बुलवाया तो इस वक्त इस गुलामुल खलील ने कहा यह जंदीकों की जमात है अमीरुल अमीर अगर आप इन जंदीकों के कत्ल का हुक्म दे दें तो इन जंदीकों की नस्ल ही खत्म हो जाए क्योंकि ये तीनों तमाम जंदीकों के सरगना हैं जिसके हाथ से ऐसी ने की वाक हो मैं इसके अजर सवाब का जामिन होंगे खलीफा ने इन सब की गर्दनें उड़ाने का हुक्म दे दिया चुनाचे याफ़ यानी जलाद आया और इसने तीनों के हाथ बांधे और हजरत रक्काम की गर्दन उड़ाने के लिए तलवार उठाई तो हज़रत नूरी जल्दी से उठे और रकाम की जगह तलवार की जद में जा बैठे तमाम लोगों ने इस पर ताजुब किया जलाद ने कहा ए जवा मर्द ये तलवार ऐसी नहीं है जिसे खेल समझा जाए और तुम इसके सामने आओ अभी तुम्हारी बारी नहीं आई हजरत नूरी ने फरमाया तुम ठीक कहते हो लेकिन मेरा तरीका इशार है दुनिया में सबसे अजीज चीज़ ज़िंदगानी है मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगानी के जो बकिया सांस हैं इनको अपने भाई पर कुर्बान कर दूँ क्योंकि मेरे नज़दीक दुनिया में एक सांस लेना आखिरत के हज़ार सांस लेने से बेहतर है यह दुनिया ख़िदमत और इबादत और खुदा की बंदगी का मुकाम है और कुर्बत की जगह कुर्बत खुदा ही से हासिल होती है खलीफ़ा ने जब ये बात सुनी तो वो इनकी तबीयत की नरमी और कलाम की बारीकी पर ऐसा मुतज्जब हुआ कि इसी वक्त हुक्म दिया कि अभी ठहर जाओ इस ज़माने में काज़ी अलज़्त अबू अब्बास बिन अली थे ख़लीफ़ा ने इनके अहवाल की तफ़्तीश का काम इसके सपुर्द कर दिया चुनाच काजी अबू अब्बास इन तीनों को अपने घर ले गए इसने शरीयत और हक़ीक़त के अहकाम व के बारे में सवालात किए और हर सवाल के जवाब में इन्हें राह हक पर पाया और इनके अहवाल से अपनी गफलत नादानी पर शर्मसार हुआ इस वक्त हज़रत नूरी ने फरमाया काजी जो सवाल तुमने दरियाफ्त किए हैं इनकी कुछ हैसियत नहीं क्योंकि अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी हैं जो इसी के साथ खाते पीते बैठते और इसी के साथ बात करते हैं मतलब ये के इन मर्दान खुदा का क्याम कऊद अकुल्ल शरब हरकत वसकून और नत को कलाम अल्लाह ताला ही के साथ है इसी के लिए जिंदा हैं और इसी के मुशाहे में महव रहते हैं अगर एक लम्हा के लिए भी मुशाह हक ना हो तो मुजमहल और परागंदा हो जाती है ऐसा लतीफ़ कलाम सुनकर काजी बहुत हैरत ज़दा हुआ उसने उसी वक्त तमाम गुफ्तगु और इनके हालात की दरुस्तगी कलम बंद करके खलीफा के पास भेज दी और लिखा के अगर ये जमात मुलहदों की है तो जहान में फिर कौन मदद और तोहिद परस्त होगा मैं गवाही देता हूँ और फ़ैसला करता हूँ कि अगर ये मुलद हैं तो रुए ज़मीन में कोई मौद नहीं है ख़लीफ़ा ने इन सब को बुलाया और कहा अगर कुछ ज़रूरत हो तो बताएं उन्होंने कहा ए खलीफा हमें तुमसे यही हाजत है कि तुम हम सबको फरामोश कर दो ना अपनी कबूलियत से हमें अपना मुकरब बनाओ और ना अपनी दूरी से हमें मरदो मखहूर करार दो क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी दूरी तुम्हारी कबूलियत के मुशाबे है और तुम्हारी कबूलियत तुम्हारी दूरी की मानंद खलीफा रोने लगा और इज्जत अहतराम के साथ उन्हें रुख्सत कर दिया असर सहाबा हज़रत नाफ़े बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उम्र रजील्लाहुमा को एक रोज़ मछली खाने की ख्वाहिश पैदा हुई शहर भर में मछली तलाश कराई मगर ना मिली चंद रोज बाद मुझे मछली मिल गई मैंने बावची को तैयार करने का हुक्म दिया फिर जब मैंने इनके रूबरू पेश किया तो मछली देखते ही इनकी पेशानी पर खुशियों मसरत की लहर दौड़ गई इस वक्त एक साइल इनके दरवाजे पर आ गया उन्होंने हुक्म दिया कि ये मछली साइल को दे दी जाए ग़ुलाम ने कहा आका आप इतने दिन से मछली की तलाश में थे आपको इसकी ख्वाहिश थी आप इसे क्यों दे रहे हैं मैं साइल को कोई और चीज़ दे देता हूँ अब इसका खाना मुझ पर हराम है क्योंकि मेरे दिल में इसकी ख्वाहिश नहीं रही इसके बाद हज़रत इबन उमर रज़ी ने यह वाक़ हज़ूर इक्रम वसल्लम को सुनाया तो हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया ख्वाहिश पैदा हो और वो चीज इसे मिल जाने पर वो इससे हाथ खींच ले अपने आप पर दूसरे को तरजीह दे तो यकीन अल्लाह तला इस इसार पर इसे बख्श देगा इसार की नादर मिसाल दस दरवेष बेयाबान में सफर कर रहे थे असनाए राह में इन्हें शिद्दत की प्यास लगी इनके पास सिर्फ एक ही प्याला पानी था हर एक ने दूसरे को पेश किया मगर किसी ने नहीं पिया यहाँ तक कि नौ दरवेश प्यास की शिद्दत में दुनिया से रुखसत हो गए सिर्फ एक दरवेश जिंदा रह गया इसने कहा जब मैंने देखा कि सब फौत हो चुके हैं और सिर्फ मैं ही रह गया हूं तो मैंने वो पानी पी लिया जिससे मुझे होश आया और तवानाई महसूस की किसी ने इस दरवेश से कहा अगर तुम भी इसे ना पीते तो अच्छा होता इसने कहा ओ शख्स शरीयत को क्या समझता है अगर इस वक्त मैं इसे ना पीता और मर जाता तो मैं अपनी जान का कातिल होता और दार ठहरता इस शख्स ने कहा फिर तो वो नौ दरवेश भी अपने कातिल ठहरे दरवेश ने कहा नहीं उन्होंने एक दूसरे की खातिर पानी नहीं पिया कि इनकी जिंदगियां बच जाएं जब वो इस खातिरदारी और इशार में जाम बहक हुए और सिर्फ मैं अकेला रह गया तो अब शरण पानी का पीना मुझ पर वाजिब हो गया इसार में फरिश्तों की आजमाइश मोमिनीन सयदना अली मुर्तजा करमल्ला वजह बवक्त हजरत रसूल करीम अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा हुए और हजरत सिद्दीक अकबर रजील्लाहों के साथ हजूर अकरम सली वसलम मक्का मुकरमा से हिजरत करके गार शौर में तश्री फरमा हुए चूंकि इस रात काफिरों ने हजूर सल्हुस को शहीद करने का मुसम्म इरादा कर लिया था तो अल्लाह ताला ने हज़रत मिकाइल आलम से फरमाया मैंने तुम दोनों के दरमियान बराबरी और मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे पर जिंदगी दराज कर दी है अब तुम जाओ तुम दोनों में से कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी जिंदगी को दूसरे पर कुर्बान करके अपनी मौत को चाहेगा मगर इन दोनों फरिश्तों ने अपनी अपनी ज़िंदगी को ही इख्तियार किया और एक दूसरे पर इशारो कुर्बानी के लिए तैयार ना हुए अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दोनों हज़रत अली अलीजा की बुजुर्गी और फजीलत को देखो कि मैंने अली मुर्तजा और अपने रसूल के दरम्यान बराबरी कायम फरमाई लेकिन अली मुर्तज़ा ने इनके मुकाबला में अपने कत्ल और अपनी मौत को पसंद किया और वो रसूल अक्रम सल्हु वसल्म की जगह पर सो गए अपनी जान को इन पर फिदा करने और अपनी जिंदगी को इन पर निसार करने के लिए तैयार हो गए और खुद को हलाकत के मुंह में डाल दिया अब तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम जमीन पर जाओ और अली मुर्तजा की खिदमत बजा लाओ और इनको दुश्मनों से महफूज रखो चुनाचे मिकाइल सलाम आए एक अली मुर्तजा के सरहाने और दूसरे इनकी पायती हिफ़ाजत के लिए खड़े हो गए इस वक्त जबरीलम ने कहा बख बखन मिसलुकाबन अबी तालिब तुम कितने खुशकस्मत हो कौन है जो तुम्हारी मिसल हो बिला शुभ अल्लाह तला आज तुम्हारे साथ फरिश्तों पर फख्रमाहत फरमा रहा है और तुम अपनी नींद में मगन हो इस एसार पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई नासी मरदात राउफन बिल इबाद अलबकर दो सौ सात कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को खुदा की खातिर बेचते हैं और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है गजवाए ओहद में इसार की मिसाल जिस वक्त अल्लाह ताला ने गजवाए ओहद में सख्ती व मशक्क़्त के जरिए मुसलमानों का इम्तहान लिया तो एक अंसारी एफत मब औरत शरबत का प्याला लेकर आई ताकि किसी मजरूह को पिलाए वो बयान करती हैं कि मैदान जंग में एक बुजुर्ग सहाबी को जख्मों से चूर देखा जो गिनती के सांस पूरे कर रहा था इसने इशारा किया कि मुझे पानी दो जब मैं पानी लेकर इसके करीब पहुंची तो दूसरे ज़ख्मी ने पुकारा मुझे पानी दो Osionfish. पहले जख्मी ने पानी ना पिया और मुझसे कहा कि इसके पास ले जाओ जब मैं इसके पास पहुंची तो तीसरे जख्मी ने पुकारा पानी इसने भी पानी ना पिया और कहा इसके पास ले जाओ यहाँ तक कि इस तरह मैं सात जख्मियों के पास पहुंची जब मैं सातवें के पास पहुंची और इसने चाह के पानी पिए तो जान बहक हो गया मैं पानी लेकर छठे के पास पहुंची तो इसने भी जान दे दी इसी तरह हर एक जख्मी अपनी जान को हक ताला के हवाले करता रहा और किसी ने एक दूसरे के इशार में पानी नहीं पिया इस सिलसिला में आयत करीमा नाजिल हुईनो मुसलमान अपनी जानों पर इशार करते हैं अगरचे वो खुद तंगी में हों। बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़ बनी इसराइल में एक आबिद था जिसने चार सौ साल तक इबादत की एक दिन इसने कहा ए खुदा अगर इस पहाड़ को पैदा ना फरमाया होता तो लोगों के आने जाने और सफ़रों सेहत करने में बहुत आसानी हो जाती इस ज़माना के नबी सल्वातुल्ला से रब ने फरमाया कि तुम फला आबिद को बता दो कि हमारी मलकियत में तुझे तसरफ करने और राय देने का कोई हक नहीं अब चूँकि तूने ये गुस्ताखी और जरत की है तो सुन के तेरा नाम नेक बख्तों की फहरिस्त से खारिज करके ना फरमानों और बदबख्तों की फहरिस्त में लिखता हूँ आबिद के दिल में यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और फ़ौरन सजदा शुक्र में गिर गया अल्लाह ताला ने नबी के जरिया कहलवाया कि ओ नादान शिकायत तो बदबख्ती पर सजदा शुक्र वाजिब नहीं होता आबिद ने कहा मेरा शुक्र शिकावत पर नहीं है बल्कि इस पर है कि मेरा नाम अल्लाह तला के किसी देवान में तो है लेकिन ऐदा के नबी मेरी एक हाजिद खुदा की बारगाह में पेश करो नबी ने फरमाया कहो क्या है इसने कहा खुदा से अर्ज़ करो कि अब जबकि तू ने मेरे लिए दोजख् में जाना मुकर कर दिया है तो इतना कर्म करे कि मुझे ऐसा बना दे कि तमाम मोहित गुनहगारों के बदले सिर्फ मैं ही गुनहगार ठहरूँ ताकि वो सब जन्नत में जाएं फरमाने इलाही हुआ कि इस आबिद से कह दो तेरा ये इम्तहान तेरी ज़िल्लत के लिए नहीं था बल्कि लोगों के सामने तेरे ईसार के इजहार के लिए था अब रोज़े क़यामत तो जिस जिसकी शफात करेगा मैं इन सब को जन्नत में भेज दूँगा हज़रत अहमद हमाद सुरख़ी का ईशार हज़रत दाता गंजब्श्श्श अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अहमद हमाद सुरख़ी से पूछा कि तुम्हारी तोबा का इब्तदाई वाक़ क्या है उन्होंने बयान किया कि मैं एक मरतबा सरखस से जंगल की तरफ गया और अरसा तक वहाँ ऊँटों के पास रहा और मैं हमेशा ख़्वाहिशमंद रहा कि मैं भूखा रहूं और अपना खाना किसी दूसरे को दे दूं। चूंकि खुदा का ये इरशाद लोहे कल्ब पर नक्श था के वयो सिरूना अला अन फुसिम वलोना बिहिम हसा सतुन नौ। यानी मुसलमान अपनी जानों पर एसार रखते हैं अगर चैन को खुद तंगी हो इसी बिना पर इसार पसंद लोगों से हुसने अक़ीदा रखता हूँ एक दिन एक भूखा शेर जंगल से आया और मेरे ऊँटों से एक ऊँट मार डाला और एक बुलंद जगह पर जाकर एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली जंगल के तमाम परिंदे इसकी इस आवाज़ पर इसके गिर्द जमा हो गए शेर ने इन सबके सामने ऊँट को फाड़ डाला और ख़ुद कुछ न खाया और दूर ऊंची जगह पर जाकर बैठ गया वो दरिंदे जिनमें भेड़िया चीता लूमड़ी गीदड़ वगैरह थे सब इसे खाने लगे शेर इस वक्त तक खड़ा देखता रहा जब तक वो दरिंदे इसे खाकर वापस नहीं चले गए इनके जाने के बाद शेर ने इसे खाने का इरादा किया कि इतने में एक लंगड़ी लूमड़ी नमूदार हुई शेर फिर जाकर ऊंची जगह बैठ गया लूमड़ी से जितना खाया गया खाया और फिर वो चली गई इस वक्त शेर आया और इसमें से थोड़ा सा खाया मैं दूर बैठा इस नज़ारे को देख रहा था जब लौटने लगा तो शेर ने फसीह जुबान में मुझसे कहा ए अहमद लुकमा का इशारा तो कुत्तों का काम है मर्द तो अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं जब मैंने इस दलील को देखा तब मैंने मशगूलियत से हाथ खींच लिया ये है मेरी तौबा का वाक़ हज़रत नूरी के मनाजात हज़रत नूरी के मनाजात जाफर खुल्दी बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत अबुल हसन नूरी अलैह खलवत में मनाजात कर रहे थे मैं इनकी मनाजात के अल्फाज सुनने की गर्ज से इस तरह करीब हुआ कि इनको ख़बर न हो क्योंकि वो मनाजात फसी हो बलीख थे उन्होंने मनाजात में कहा कि अ खुदा तू दो ज़खखियों को अजाब देगा हालांकि वो सब तेरे बंदे हैं और तेरे पैदा करता हैं और वो तेरे अजली इल्मो इरादा और कुदरत में हैं अगर तू वाक़ता दोजख् को लोगों से भरना ही चाहता है तो तू इस पर कादिर है कि मुझसे दोजख और इसके तबकात को भर दे और इन दोज़खियों को जन्नत में भेज दे जाफ़र कहते हैं कि मैं ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया मैंने ख्वाब में देखा कि किसी ने आकर मुझसे कहा कि तुम अबुल हसन से जाकर कह दो कि अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हारी इस शफकत इशार पर जो तुम्हें हमारे बंदों से है तुम्हें बख्श दिया हज़रत अबूल हसन रहमत नूरी इस बिना पर कहा जाता था कि अंधेरे घर में जब वो बात करते थे तो इनके बातिन के नूर से वो घर रोशन हो जाता था और ये कि वो मुरीदों के इसरार को नूर हक़ से मालूम कर लेते थे यहाँ तक कि हज़रत जुनेद बगदादी इनके बारे में फरमाया करते थे कि अबूल हसन तो दिलों का जासूस है ये हैं नूरी मजहब की खसूसियात जो अहल बसरत के नज़दीक कवी असल और अजीमत हैं हकीकत ये है कि इंसान के लिए रूह पर खर्च करने और अपनी महबूब मरगूब चीज पर दस्तकश होने से ज्यादा शदीद चीज कोई नहीं है अल्लाह ताला ने तमाम नेकियों की कुंजी सबसे ज्यादा महबूब चीज खर्च करने को बताया है चुनाचे फरमायान फिको मेकी ना पाओगे जब तक के अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज इसके लिए खर्च ना करोगे तरीक़त की असल यही है चुनाचे हजरत रदीम रहमतुल्ल के पास एक शख्स आया इसने कहा कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए आपने फरमाया ए फर्जंद कोई चीज जान खर्च करने से बढ़कर नहीं है बशर्ते तुमको इस पर काबू हो वरना सूफियों की गहरी बातों के दरपय ना हो इसके सिवा जो कुछ है सब बातिल है अल्लाह इर्शाद हैमवातन आल इमरान एक सौ उनतीस यानी जो खुदा की राह में जान दे चुके हैं उन्हें मुर्दा गुमान ना करो बल्कि वो अपने रब के हजूर जिंदा हैं उन्हें रिस्क दिया जाता है दूसरी जगह इर्शाद है वाला तकोलमु फी अमवातन बल आहिया एक सौ चौवन जिन्होंने राह हक में जान दी उन्हें मुर्दा ना कहो वो ज़िंदा है हयात अब्दी और कुर्ब सरमदी राह खुदा में जान देने अपने नसीब को छोड़ने और अल्लाह के दोस्तों की फर्मा बरदारी से हासिल होती है एन इशारो इख्तियार अगरचे मार्फ़त की नज़र में जुदा जुदा हैं मगर ऐन में जमा है ऐन इशार ये है कि अपने नसीब को जो कुर्बान किया है हकीकत में वो इशार कुर्बानी ही इसका नसीब था क्योंकि हकीकत में वो हिस्सा अगर इसके मुकद्दर में होता तो मुकद्दर में चूंकि तगैर व तबदल का इम्कान नहीं लामोहला वो किसी दूसरे पर कैसे खर्च होता बल्कि इसका मुकद्दर वही है जो इसे ना मिला बल्कि दूसरे को पहुंचा तालिब का सलूक जब तक इसके हसूल से मुतालिक रहेगा वो हलाकत में रहेगा लेकिन जब अल्लाह तला की तोफीक और इसमें मदद शामिल हो जाएगी तो तालब के तमाम अफ आलोल प्रागंदा और ना पैद हो जाते हैं इस कैफियत की कोई लफ्जी ताबीर नहीं हो सकती और ना इस कैफियत का कोई नाम तजवीज़ किया जा सकता है जिससे इसकी ताबीर की जा सके या इसका हवाला देकर किसी नाम से पुकारा जा सके इस मफहूम को हजरत शिबली अलहर रहमा इस तरह अदा करते हैं कि यानी जब तू मेरी निगाहों से ओझल था तो मैं अपने आप को भी ना पहचान सका और ज़ मौ मेरी सिफतों को तलाश ही करती रही आज तो मैं सबसे गायब हूँ। अब अफसोस की इबारतों के सिवा कुछ नहीं है नंबर छः फिर सहेलिया फ़िर सहेलिया के पेशवा हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्ला अल हैं ये अकाबर बरगजीदा मशाख में से हैं इनका तस्करा पहले किया जा चुका है गर्ज यह कि यह अपने ज़माने के सुल्तान वक्त और तरीकत में अहले हद वक़द साहब इसराए थे इनके दलाइल बहुत वाज और इनकी हकयात फ़हम अक़ल से बहुत बुलंद है इनके मज़हब की खसूसियत इश्तहाद मुजाह नफ्स और रियाजत शाखा है मुरीदों को मुजाहदे से दर्जा कमाल तक पहुँचा देते थे आपके वाकयात में मशहूर है कि एक मुरीद से फरमाया खूब जहदो कोशिश करो यहाँ तक के एक रोज़ तमाम दिन या अल्लाह या अल्लाह या अल्ला ही कहते रहो और दूसरे और तीसरे दिन भी यही वर्द रहे इसके बाद फरमाया अब इनके साथ रात को भी शामिल कर लो और यही कहते रहो चुनाचे मुरीद ने इस पर अमल किया यहां तक के मुरीद जब ख्वाब में होता तो वह ख्वाब में भी यही कहता था हती के ये इसकी तभी आदत बन गई इसके बाद फरमाया अब इससे लौट आओ और इसकी याद में मशहूल हो जाओ फिर इसकी ये हालत हो गई कि वो हमा वक्त इसी में मुस्तरक रहने लगा एक दिन मुरीद अपने घर में था कि हवा की वजह से वजनी लकड़ी गिरी और इसने इसका सर फाड़ दिया सर से जो खून के कतरे टपक कर जमीन पर गिरते थे वो भी अल्लाह अल्लाह लिखते जाते थे गर्ज के मुजाहिदे और रियाजत के जरिया मुरीदों की तरबियत सहेलियों का खास तरीका है दरवेशों की खिदमत और इनकी तजीम तो हमदोनियों का खास इम्तियाज है और बातिन का मुराकबा जुनेदियों का इम्तियाज़ है इसमें रियाजो मुजाह फ़ायदा मंद नहीं होता अब मैं मार्फ़त नफ्स और इसकी हकीकत बयान करता हूँ इसके बाद मुजाहिदों के मज़ाहिब और इनके अहकाम बयान करूँगा ताकि तालिब मार्फ़त पर हकीक़त आशिकार हो जाए आलम